दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है मी ब्राउजर के बारे में, वही मी ब्राउजर जिसके बारे में बहुत सारी खबरें चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि मी ब्राउजर एंड मिंट ब्राउजर जो कि शाओमी की तरफ से आते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, या फिर अगर आपके पास रेडमी फोन है तो मी ब्राउजर आपके फोन में प्री इंस्टॉल आता है और ये ब्राउजर आपके फोन का डिफॉल्ट ब्राउजर भी होता है। और ये ब्राउजर में अगर आप ब्राउजिंग करते हैं तो आपका डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है। अब ये कोई नई बात नहीं है कि ब्राउजर के अंदर डेटा कलेक्शन होता है, वो इसीलिए किया जाता है ताकि आपको एड्स वगैरह सर्विसेज वगैरह पुश की जाएं और साथ ही साथ आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बेहतर किया जाए। लेकिन आप इस बात से शायद आश्चर्यचकित हो जाएं कि ये ब्राउजर के अंदर आपका डेटा कलेक्ट होता है तब भी जब आप इस ब्राउजर को इनकॉग्निटो मोड में यूज कर रहे हैं। और इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी मिल जाएगा कि कैसे आप मी ब्राउजर को डिफॉल्ट ब्राउजर से हटा सकते हैं अपने फोन पे। मैं बताता हूं आपको 5 ऐसे हैक्स, ऐसी टिप्स जिसके थ्रू अगर आप मी ब्राउजर यूज करते हैं तो कैसे आप अपना डेटा कलेक्ट होने से रोक सकते हैं, यानी कि शाओमी को आपका डेटा लेने से रोक सकते हैं। दोस्तों, ये है मी ब्राउजर और कुछ इस तरह का दिखता है मी ब्राउजर का होम पेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के वीडियोस दिखाए जाते हैं आपको, कुछ यहाँ पे एड्स वगैरह भी दिखाए जा रहे हैं। तो इनको हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है 3 लाइन्स में और फिर उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे आपको कंटेंट फीड को डिसेबल कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो ये जो कंटेंट फीड है हट जाती है और ये एरिया आपको ब्लैंक मिल जाता है, बहुत ही साफ मिल जाता है। यहाँ पे ये जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं इनको हटाने का कोई तरीका नहीं है, ये अलग अलग तरह के थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं जो कि अगर आप इस ब्राउज़र में साइन इन करते हैं तो वो सारा डेटा जो इन सर्विसेज का है वो भी ब्राउज़र जो है आपका ले सकता है और शाओमी को आगे दे सकता है। तो ऐसे में इनमें से किसी भी सर्विसेज को आप साइन इन ना करें, इनकी अलग से ऐप्स इंस्टॉल करें और वहाँ पर जाके इनको एक्सेस करें। अब दूसरी टिप यह है कि यहाँ पे आपको जाना है 3 लाइन्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में और इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में और यहाँ पे आपको पर्सनलाइज सर्विसेज को डिसेबल कर देना है। इससे भी आपको अलग अलग तरह के एड्स जो है नहीं दिखाए जाएंगे इस ब्राउज़र के अंदर। अब इसके बाद जो तीसरी सेटिंग है उसके लिए आपको दोबारा इन 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और इस सेटिंग के अंदर आप सीधा सीधा इस ब्राउज़र को कह सकते हैं कि वो आपका डेटा कलेक्ट ही ना करे और वो है ऑथराइजेशन। अब ऑथराइजेशन एक ऐसी चीज़ है, जैसे ही आप इसको डिसेबल करते हैं वैसे ही आपको कुछ इस तरह का एक मैसेज दिखता है जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मी ब्राउज़र काम ही नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिवोक कर देते हैं इस तरह से इस ब्राउज़र को तो आप इस ब्राउज़र को यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, यानी कि शाओमी ने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जैसे ही आप ब्राउज़र को परमिशन देना बंद कर देते हैं और आपका डेटा वो कलेक्ट नहीं कर सकते हैं उसके बाद आप ब्राउज़र को यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। अब होता ये है कि आप इस ब्राउज़र को यूज़ नहीं करना चाहते हैं फिर भी ये ब्राउज़र लॉन्च हो जाता है क्योंकि व्हाट्सएप में या कहीं भी और आप कोई भी लिंक वगैरह क्लिक करेंगे तो वो लिंक बाय डिफ़ॉल्ट इसी ब्राउज़र में खुलेगा क्योंकि ये इस फ़ोन पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बन के आता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं जब भी आप इसको लॉन्च करते हैं तो ये आपके फ़ोन का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बन जाता है। इसके लिए आप जाएंगे यहाँ सेटिंग्स में और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आस्क कर रहा है, अगर मैंने इसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना दिया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये होता ही है तो इसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से कैसे हटाएं, क्योंकि जैसे ही आप इस ब्राउज़र को ओपन करते हैं जो भी सेटिंग्स आपने डिसेबल करी थी वो दोबारा से अनेबल हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ आप प्राइवेसी सिक्योरिटी में चले जाइए और यहाँ पर ये सारी सेटिंग इसने अपने आप अनेबल कर लिए हैं। तो ऑथराइजेशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इस ब्राउज़र को पूरी तरह से रोक सकते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे रिवोक पे क्लिक करना होगा। अब आपने रिवोक कर दिया, ब्राउज़र बंद हो गया, आप इस ब्राउज़र के आइकन को कहीं छुपा सकते हैं फ़ोन में। अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा सेटिंग्स में जाना होगा यहाँ से और सेटिंग्स में आपको यहाँ पर जाना होगा ऐप्स में, फिर जाना होगा मैनेज ऐप्स में, फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा, डिफ़ॉल्ट ऐप पे जाना होगा और यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर मी ब्राउज़र की जगह गूगल क्रोम को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप मी ब्राउज़र की जगह गूगल क्रोम को सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब आप इस आइकन को यहाँ से हटा के कहीं और डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और वीडियोस लेके आ रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप शाओमी के फोन पे अपना डेटा बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।